बच्चों, अब जो हमारा पोर्शन बचता है वो है वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। ये क्यों कराई जा रही है मेरे थ्रू? वो इसलिए करवाई जा रही है दोस्त, आप ये देखो कि आपका कौन सा पोर्शन मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ या कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर बात करें कि पूरी थ्योरी की, तो भाई थ्योरी आपकी ए टू जेड कंप्लीट करवा दी। बात आती है न्यूमेरिकल पोर्शन की, वो लगातार चल रहे हैं, तो न्यूमेरिकल पोर्शन वाला कंप्लीट आपका सिलेबस और आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट। तो फिर बचता कौन सा है? थ्योरेटिकल में भी शॉर्ट क्वेश्चंस बचते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो हम थ्योरी में वहाँ पर कवर नहीं करते हैं और वहाँ आते भी नहीं हैं। अब उनको एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एसएल के अंदर लास्ट में आप देखें चैप्टर जहाँ पर फिनिश होता है वहाँ देखें, उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। उनमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये किस सन में पूछा गया। इवन AIEEE IIT तक के क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो भाई अच्छी है, और ये आपके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जैसा कि इसका नाम है, तो ये आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के जाएंगी। और इनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ये हो सकता है किसी इंडिविजुअल का डाउट भी हो ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा। तो ये प्रॉब्लम है, पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रखा हमसे। हमसे कह रहा प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर, व्हेन डज अ साइक्लिस्ट अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग साइक्लिस्ट। सीधी सी बात है, एक साइक्लिस्ट है वो साइकिल पर चल रहा है, उसे दूसरा साइकिलिस्ट कब स्टेशनरी दिखाई देगा, कब रुका हुआ दिखाई देगा? कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरी साइकिल आगे को मूव कर रही है, तो मुझे हर ऑब्जेक्ट पीछे को जाते हुए दिखाई देंगे, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। अब सपोज दैट एक साइकिलिस्ट मेरे साथ साथ चल रहा है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड भी वही है जो मेरी है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन वही है जो मेरी है, वो मेरे पैरेलल मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या? मैं उसके रिस्पेक्ट में मेरी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, या फिर उसके रिस्पेक्ट में मेरी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो और मेरे रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये जीरो निकल कर आएगी। इससे ये पता चलता है कि हम दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और हम एक दूसरे के साथ पैरेलल में मूव कर रहे हैं। जब ऐसा हो रहा होता है, तभी हमें एक साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा साइकिलिस्ट ऐसा लगेगा जैसे कि ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो मेरे रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, लेकिन ज़मीन के रिस्पेक्ट में तो मूविंग कंडीशन में होगा। बस यही फ़र्क होता, आपका रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताया जाता है कि भाई ये मूविंग कर रहा है या रुका हुआ है। मेरे रिस्पेक्ट में तो ये रुका हुआ है, रुका हुआ मतलब स्टेशनरी लगेगा मुझे कि हाँ ये स्टेशनरी है, ना तो ये मुझसे आगे जा रहा ना मुझसे पीछे जा रहा, बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में ये भी मूव कर रहा है, मैं भी मूव कर रहा हूँ। तो बात ध्यान रहे, हमसे कह रहा है कि व्हेन डज अ साइक्लिस्ट अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग साइक्लिस्ट, तो दूसरे साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो इसका मतलब कब? अच्छा, कंडीशन पूछ रहा है कि कब हो गया ऐसा, तो सॉल्यूशन में या फिर आंसर में लिख देना आप, व्हेन बोथ साइक्लिस्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, पहली बात तो ये, सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बोल देते हैं तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जाती है, विद सेम वेलोसिटी पैरेलल टू ईच अदर, समझ रहे हो भाई? When both cyclists moving in the same direction with same velocity parallel to each other, तब हमें एक cyclist के respect में दूसरा cyclist stationary मालूम होगा। वास्तव में वो stationary अर्थ के respect में नहीं होगा, लेकिन हमारे respect में तो जरूर होगा। तो ये पहली problem solve कर ली, अगली problem देखते हैं।